तो अब हमारी अगली डेस्टिनेशन क्या है चौधरी जी? अगली डेस्टिनेशन जो हमें नजदीक पड़ रही है वो है भीमताल। ओके, ठीक है। और वहाँ की लेक बहुत मशहूर है। लेक कहते हैं काफी सुंदर है, साफ सुथरी है। तो अभी चलते हैं वहाँ पर भगवान का नाम लेके। चलो तो फिर लगाए जयकारा। जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय। ये देखो रिवर, क्या बात है, मजा आ गया। नजारे दिखने शुरू हो गए, शुरुआत होगी हमारी अच्छी वाली। सो हेलो गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। तो दिस इज डे 5, सो वी आर लीविंग हल्द्वानी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रुद्रपुर की तरफ जा रहे हैं, पीलीभीत साइड जाएंगे हम लोग। जिनको नहीं पता है, पीलीभीत भी एक बहुत अच्छा स्पॉट है, वहाँ किसी से मिलना भी है हमें। तो जैसा कि आप देख सकते हो, अभी फॉरेस्ट शुरू हो गया है और ये पीलीभीत तक ऐसा ही ग्रीन एरिया चलेगा। तो हमारी कैंपिंग डेस्टिनेशन अगली वही होने वाली है। तो वहाँ पे अच्छी सी लोकेशन ढूंढ के उसके बाद अपना सेटअप लगाते हैं, फिर कुछ खाते पीते हैं, रिलैक्स करते हैं। थोड़ा सा मूड बड़ा रिलैक्स है आज। क्यों? वैसे ही रिलैक्स फीलिंग आ रही है। चल जगह है, गिर जाएगी नहीं। कोई बात नहीं, तू तो मम्मा से वैसे ही प्यार नहीं करती, तू तो पापा से प्यार करती है। गई मम्मा, चलो डूब जाएगी। तू वहीं पे खड़ी रह, थप्पड़ खाएगी। कुछ शेर वेर आ जाएगा वहां पर? अरे यहाँ कहाँ आएगा शेर। मजाक कर रहे हैं, दिन में तो नहीं आएगा ना। बस भैया बैठे खड़े हैं यहाँ पर, बकरी चरा रहे, वो कह रहे दिन में नहीं आता, रात को आता है। बस कर, यहाँ तक खड़े हो सकते हो, बस इससे ज्यादा नहीं। डुबकी लगा ला एक। ये कौन सी गंगा मैया है कि मैं डुबकी लगाऊंगी, मेरे पाप धुल जाएंगे। अच्छा भैया, नदी में कोई मगरमच्छ वगैरह भी होगा? कुछ होते हैं सच्ची? यहाँ पर? यहाँ पे नहीं है, मतलब आप है ना नीचे से। अच्छा अच्छा, तो मगरमच्छ। मैं डर गई, वहाँ बकरी उतरी उनकी, मैं डर गई, मैं कहा एक एक कौन आ गया। बकरी ये डर गई। सुन तो, मगरमच्छ भी होते बता रहे हो? हाँ, तो कौन सा उछल के ऊपर आ जाएगा? आ जाता है, आ जाता है, पानी के बाहर आ ही जाता है। चल आ जा वापस, कैंपिंग नहीं हो पाएगी यहाँ पर। वैसे व्यू देखना, देख लो। खड़ी रह। क्या हुआ? चुप, तेरी आवाज सुन के आ जाएगा शेर। हाँ शेर कहेगा कोई शिकार आ गया, चल जाके पकड़ते हैं। हड्डी हड्डी खाली है। इसको छोड़ देगा ना? हाँ इसको छोड़ देगा शेर। ऐसे है ही नहीं कुछ, हड्डी हड्डी कहेगा, मांस तो है ही नहीं, हड्डी है इसमें। चलो आ जाओ। तो इनका भाई दिल कर रहा था कि डैम है यहाँ पर, ये जो मेन नदी पड़ती है जंगल में, इनका दिल कर रहा था, कह रहे थे हम लोगों ने फ़ोटो खिंचवानी है। वो सामने लोग उधर भी बैठे, चूका इको टूरिज्म है जो वहाँ पे, पता नहीं क्या है, चूका इको टूरिज्म स्पॉट, वहाँ पे लोग खड़े हैं, इधर कोई आता नहीं है। हम लोगों ने कहा इधर ही खींच लेते हैं फ़ोटो, थोड़ा बहुत रिस्क तो है, ऊपर जंगल है इधर। हाँ भाई कर लो इंजॉय, जल्दी चलते हैं फिर। ये तो पहले टूरिस्ट बन गई है, दूर दूर से देखेगी सब कुछ। अच्छा, ये वहाँ से खरीद के लाई है ना? बढ़िया है ना, मेरे को ये ना ऐसे पानी देके मतलब किसकी याद आ रही है। हाँ मेरे को पानी देके याद आ रही है हरिद्वार की। हाँ हरिद्वार की, इतनी एक्चुअली वहाँ पर हरिद्वार में इतनी पास होते हैं ना हम पानी के, मतलब बाकी हर जगह दूर से देखना पड़ता है। चेन पकड़ के नीचे डंकी आवाज है। मैंने सुना है वो भी बंद हो गया अब, वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है, हर की पौड़ी में पानी सूख गया बिल्कुल। नहीं, नहीं, कुछ चल रहा है, काम चल रहा है ना वहाँ पर। अच्छा ये तो वीडियो बन रहा है। मैं कह रहा हूँ हंसो, तरह तरह के मुंह बना रहे हो, ये तो वीडियो बन रहा है। रुक जा बेटा एक मिनट, रुक जा एक मिनट, रुक जा। सो अभी हम पहुंच चुके हैं नानक मते गुरुद्वारा, एक रास्ते में पड़ता है, उत्तराखंड में ही है। तो हमने सोचा क्यों ना हम पहले मत्था टेक लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो जैसे ही नजीद किए ये रुमाल लेने के लिए सिद्धू मूसेवाला, एक बार प्रिंट दिखाओ मुझे, प्रिंट दिखाओ, ये देखो अब ये इससे सिर कवर करके फिर जाएगी अंदर। मापे जिसे गुआते ने वो आके अपने बच्चे को यहाँ से स्टेज से ले लें, छोटी सी बच्ची है, और दरबार के अंदर या उनके माता पिता जो संबंधी है आके बच्चे को प्राप्त कर लें। क्यों जेडे बच्चे ने सात संगत जी बड़ी मुसक्कत के नाल मिलते ने, जिन्हों के घर बच्चे नहीं उन्होंने।
हमने लिया है एक छोटा सा ब्रेक नानक मते गुरुद्वारे के पास में ही, क्योंकि बहुत लेट हो गया। हमने सोचा लंच कर लेते हैं, तो पहले हमें के ठीक ठाक सा यहाँ रेस्टोरेंट मिल गया, हमने सोचा यहीं पे कर लेते हैं। तो अब यहाँ पहले लंच करते हैं। और मुझे मुझे जो गुस्सा आ गया मतलब मैंने जो ऑटो रिव्यू का चैनल है DDS, ठीक है, NTT कार्स से मुझे को मतलब नहीं, मैं उसको जानता भी नहीं, हार्डली मैटर्स फॉर मी, बट उनके पास स्कॉर्पियो एंड ब्लैक कलर की नई थी, टेम्परेरी नंबर था, तो मैं ऐसे क्रॉस कर रहा था तो मुझे एकदम नजर पड़ी, मैंने कहा ये DDS है, तो मैंने इसको कहा, मैं कहा क्योंकि हम लोगों को कई बार यूट्यूबर्स कई बड़े बड़े दिखे हैं पर हम लोग रुकते नहीं, ठीक है, हमें कुछ ऐसा नहीं है कि हम रुक के जाएं हाय हेलो सर, कुछ नहीं करते, डिस्टर्ब नहीं करते हम किसी को, पर इनके लिए एक बड़ी रिस्पेक्ट सी थी, थोड़े जैसे ना एक सीरियस यूट्यूबर टाइप होता है ऐसा कुछ लगा मुझको। तो मैंने क्या किया, मैंने गाड़ी वापस ले ली, ठीक है, मैंने कहा ये बंदा बहुत अच्छा है, इसके मैंने चैनल देख रखा है, बहुत ही डाउन टू अर्थ टाइप बंदा है, ठीक है, तो मैं वापस गया, उन्होंने मुझे देख लिया अंदर बैठे बैठे, ठीक है, और पता नहीं क्यों जैसे ही मैं टर्न लेके वापस आके सामने गाड़ी लगाई तो गाड़ी इतनी तेज व्हीली मारी है ना, जैसे घूम जाते नहीं टायर, अंदर से बंदा निकला, एक एनटीटी कार्स नाम यूट्यूब चैनल था उसमें बैठा है, नेक्सॉन में, टाटा नेक्सॉन में, और दूसरी साइड पे DDS का तो पता ही नहीं लगा, उसने गोली हो गए, उन्होंने तो पता नहीं कौन सा गियर डाला, सीधे रफू चक्कर। बस भाई मैं तो पहली बार रुकता ही नहीं था किसी यूट्यूबर के लिए, आज के इंसिडेंट के बाद अब तो कभी नहीं रुकेंगे, मैं प्रॉमिस करता हूँ कसम खाली नहीं रुकेंगे, किसी भी यूट्यूबर को देख के हम तो नहीं रुकते, ठीक है, उसने हाय हेलो नहीं करने की कोशिश करी, चलो ठीक है बिजी होते हैं सबका पराना, मैं थोड़ा कर मुझसे मिलो, हम ये भी सोच सकते हैं कि कंसर्न होगा कि भाई कोई भीड़ ना इकट्ठी हो जाए या कुछ भी हो जाए, बट हाय हेलो ऐसे दूर से, हाँ भाई टाइम नहीं है तुम्हारे पास, हेलो बाय ओके, कुछ समथिंग, शीशे मत खोलो, खिड़की मत खोलो, हम कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है, बट वो तो गायब, गोली हो गया, अभी करेंगे टैग, छोड़ेंगे नहीं किसी को हम, जो घमंड है जिसके अंदर उसको जरूर टैग करेंगे। सो फाइनली रेस्टोरेंट पूरा खाली कर दिया, खा खा के हमने दो घंटे लग गए हमें खाते खाते, ओहो ठीक है, अभी चलते हैं घर, आज ऐसे लग रहा है बड़े टाइम बाद बिल्कुल तसल्ली, मैं क्या करूं अभी चल रहे हैं घर, हाँ। अभी घर तो जाने ही नहीं अभी, हाँ। ठीक है घर पहुंचेंगे कल शाम तक हम लोग, अभी चलते हैं, तू कुछ मत दिखा, तेरे को क्या गिफ्ट मिल गया ना, हाँ जल्दी बोलो जल्दी, मेरा गर्मी लग रही है गाड़ी में, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चलो समझ में नहीं आया मुझको तो मैंने ऐसे कह दिया, ठीक है देखते हैं, लेट्स सी इनोवा निकल सकती है, ओ पेड़ की टहनियां तोड़ रहा बंदा है ना, निकल गई हम भी निकाल सकते हैं, चलो एक्सीडेंट हो गया, मतलब किसी ने ये नहीं पूछा कि वो किसी को मतलब ये नहीं पड़ी ना, मैं क्या हुआ क्यों, मैं तो उतर के देखा हूँ एक बार, हाँ। वो ड्राइवर बिल्कुल सेफ है, ठीक है, बट किसी को कुछ नहीं पड़ा, कोई भी बंदा नहीं निकला बाहर, यार इसका टायर पंचर हो गया मुझे ये लग रहा है, मैंने तो बस पूछ लिया भाई ठीक हो करे, हाँ भाई ठीक है, हम अब तुम उधर से ध्यान रखना, ठीक है, इतनी छोटी छोटी गाड़ियाँ निकल गई, हमारी गाड़ी कैसे निकलेगी, निकल जाएगी, इनोवा निकल गई है ना साइड, इनोवा से बड़ी होती है ये, शीशा बंद कर ले तुम, शीशा खोल के करना पड़ेगा ना, नहीं मैं तू उधर से देख, इधर से देखती हूँ, चलो निकालो, देखो निकालो निकालो, सही है इस तरफ से बिल्कुल सही है, निकालो आगे और करो थोड़ा, करो 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 करो, सही है करो, मोड़ो गाड़ी, मोड़ो उस तरफ दूसरी तरफ, पीछे देख, सही है बिल्कुल सही है, चलो 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 चलो, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, चलो निकल, हम भी हैवी ड्राइवर हैं फिर, पीछे फोल्ड कर लिए थे मैंने वैसे, चलो निकल गए ना सेफली, बस जरूरी ये है।